एवरीवन वेलकम बैक टू माय सर्किल। आज का मेरा टॉपिक है कि इम्प्लांटेशन जब होता है, यानी कि जब बच्चा जो है गर्भ में आकर चिपकता है, गर्भाशय से चिपकता है, तो आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण तुरंत आपको दिखने लगते हैं जो आप थोड़ा सा भी बारीकी से देखेंगे तो आप आसानी से जान जाएंगे। पीरियड से एक हफ्ता पहले ये लक्षण दिखेंगे और आप आसानी से जान जाएंगे कि आपने इस महीने कंसीव कर लिया है। क्योंकि जब हम कंसीव करने की कोशिश करते हैं तो मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है और हमको ये पता है कि हमने ट्राई किया है, तो कुछ लक्षण भी आप ध्यान देंगे कि आपको पीरियड से पहले ही पता चल जाएगा कि आपने गर्भ धारण कर लिया, आपको इम्प्लांटेशन हो गया। उसमें सबसे पहला आपको ये होगा कि जैसे ही आप गर्भ धारण करेंगी वैसे ही आपका जो पेट का नीचे वाला हिस्सा है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। उसमें ये चेंजेस आएगा कि आपको वहाँ पे बहुत हल्की सी चुभन टाइप की हो सकती है, बहुत हल्का सा दर्द हो सकता है। ये पीरियड के पेन जैसा बिल्कुल नहीं होगा और पीरियड का पेन पीरियड से एक या दो दिन पहले हो सकता है, लेकिन ये आपको 5 से 6 दिन पहले महसूस होगा जब इम्प्लांटेशन होगा। उस टाइम पीरियड आने से 5 से 6 दिन पहले ही ये महसूस होगा। तो ऐसा दर्द हो सकता है बहुत सी महिलाएं फील भी ना कर पाती हों, क्योंकि बहुत ही माइनर सा दर्द होता है ये, तो बहुत सी महिलाएं नहीं जान पाती हैं, लेकिन अगर बारीकी से आप ध्यान देंगी तो आप जान जाएंगी। तो एक ये बहुत बड़ा सिम्टम्स होता है। दूसरा सिम्टम्स होता है ब्लीडिंग होना, यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना। ये पीरियड की ब्लीडिंग से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि पीरियड की ब्लीडिंग अच्छी खासी होती है, लेकिन ये जो ब्लीडिंग होती है ये ड्रॉप की तरह हो सकती है, बूंद बूंद हो सकती है। जैसे कि किसी महिला को तो ऐसा होता है कि बस 1 या 2 घंटे ही 1 या 2 बूंद आया, बस खत्म, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यही है। किसी किसी महिलाओं को ऐसा होता है कि 1 से 2 दिन तक ब्लीडिंग होती है, तो ऐसा नहीं कि वो 1 से 2 दिन तक पीरियड की तरह ब्लीडिंग होगी, ऐसा नहीं होता है। बस 1 से 2 दिन तक थोड़े थोड़े 2-4 घंटे पे कहीं एक ड्रॉप आ गया, एक बूंद आ गया, ऐसा रहेगा 1 से 2 दिन, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह की ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो बिल्कुल आप कंफर्म कर सकती हैं कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, आपने कंसीव कर लिया है। और एक जो तीसरा बहुत बड़ा सिम्टम्स होता है बहुत सारी महिलाओं को, अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप ट्राई कर रही हैं तो आपने कंसीव कर लिया है, अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो आपको ये भी महसूस होगा, वो होता है ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना। ब्रेस्ट में अगर आपको टेंडरनेस फील हो रही है या ब्रेस्ट आपको थोड़ा सा भारी भारी सा फील हो रहा है, क्योंकि जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है वैसे जो प्रेगनेंसी वाले जो हार्मोन होते हैं वो जो है ग्रो होने लगते हैं, तो उस वजह से ब्रेस्ट में कई बार महिलाओं को टेंडरनेस फील होती है। तो ये जो 2-3 लक्षण हैं ये आप अगर बारीकी से ध्यान देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अब आपने कंसीव कर लिया है, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है।